नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों के विस्तार में जाएंगे, उससे पहले डालेंगे नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का दिल्ली दौरा आज, नीति आयोग की उत्तर प्रदेश समिति और मनरेगा की बैठक में लेंगे हिस्सा। शाम 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। कानपुर में एक्सप्रेस रोड मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। वनस्पति घी की थोक दुकान में लगी आग। फीफा विश्व कप में क्रोएशिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया, फाइनल में पहुंचा क्रोएशिया और फ्रांस। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के भीड़भाड़ वाले कलेक्टरगंज इलाके की एक्सप्रेस रोड में बनी मार्केट में तेल और घी की दुकान में सुबह करीब 6:30 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अगल बगल की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। आग की सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र एक्सप्रेस रोड में स्थित भारत नमकीन में सुबह आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इलाके में हड़कंप मच गया। किसी तरह लोगों ने दमकल को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल की करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस तरह आग ने विकराल रूप धारण किया होगा। जो स्थिति यह है, अफरा तफरी का माहौल। हालांकि स्थानीय लोग आग को बुझाने का प्रयास भी करते दिख रहे हैं। इतनी भयावह आग लगने का अभी तक कारण का पता नहीं चला है। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा दर्जन गाड़ियां आई थी आग पर काबू पाने के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आग इतनी भयावह है कि आसानी से काबू पाया नहीं जा रहा है। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र की एक घटना है जहां भीषण आग लगी। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं। आग के चलते लगभग आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। करीब 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। कलेक्टर थानागंज की यह घटना है जहां कानपुर की घी तेल की दुकान में लगी भीषण आग। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। और इस खबर पर अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अमन तिवारी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अमन, क्या बताएंगे आप, किस तरह लगी ये आग, कुछ अब तक खबर आई क्या? जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं, अभी आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस रोड का है, जहां भारत नमकीन में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इलाके में हड़कंप मच गया। इसी तरह से लोगों ने दमकल की गाड़ियों को सूचना दी है। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। जी, अभी क्या स्थिति है, करीब क्या कुछ आसपास के लोग कह रहे हैं, किस तरह का माहौल रहा, क्योंकि आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आई हैं? जी मम्मी, जैसा कि मैंने बताया कि आज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अफरे तफरी का माहौल अभी भी वहां पर बना हुआ है। दमकल की कुछ गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद है, लेकिन आग को काबू में कर लिया गया है, क्योंकि आग थोड़ी रहने के बाद फिर से उठ रही है, इसलिए दमकल की कुछ गाड़ियों का भी वहां पर लगाया गया। अगर नुकसान की बात अगर की जाए तो इस आग लगने की वजह से अब तक करीब कितना नुकसान बताया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं, भरे बाजार की ये घटना है, मुख्य बाजार माना जाता है, पॉश इलाका है। मैं आपको बता दूं, करीब लाखों के नुकसान का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस खबर पर अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के जहां पर भीषण आग लगने से घी तेल की दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि अब काबू पा लिया गया है। हमको 6:30 बजे एक फायर कंट्रोल रूम में कॉल मिला था कि मैसेज चर्चित घी की एक फैक्ट्री या गोदाम टाइप का है, वहां आ गए।
तो मौके पे आके देखा तो एक बाजार था, दुकान टाइप का, गोदाम तो नहीं कह सकते, एक दुकान है बड़ी जिसमें आग लगी है, जिसमें हमने मौके पर लगभग 6 गाड़ियाँ अभी लगा रखी हैं, जो अभी आग काबू पा लिया है लगभग हमने इस पर। ये बतासा मंडी है, नागेश्वर मंदिर के सामने गली गई, यहाँ पे करीब करीब 6:30 बजे के आसपास आग लगी हुई है। करीब मौके पर 6-7 दमकल आ चुकी हैं और आग पर थोड़ा काबू पाया गया है। दुकान तो एक ही जली है लेकिन आसपास की कुछ दुकानों में थोड़ा सा। और इस बीच बड़ी खबर फरकाबाद से, जहां पर घर में घुसकर छेड़छाड़ का, महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बड़ी खबर फरकाबाद से, घर में घुसकर महिलाओं के साथ से कानून व्यवस्था पर एसपी ने किया फेरबदल। 4 निरीक्षकों और 8 उपनिरीक्षकों में किया गया ये फेरबदल। विवादित छवि को लेकर शहर के कोतवाल संजीव राठौर को थाना जहानगंज और जहानगंज से अनूप निगम को मोहम्मदाबाद में किया गया ये फेरबदल। पुलिस लाइन से झंझक सिंह का फतेहगढ़ कोतवाली। बड़ी खबर फरकाबाद से, कानून व्यवस्था पर एसपी ने किया बड़ा फेरबदल। चार निरीक्षकों और 8 उपनिरीक्षकों में किया गया ये बड़ा फेरबदल। विवादित छवि को लेकर किया गया ये फेरबदल। विवादित छवि के शहर कोतवाल संजीव राठौर को थाना जहानगंज, थाना जहानगंज से अनूप निगम। अब इस खबर पर अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमसे जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या कुछ अपडेट देंगे आप? ये बड़ा फेरबदल किया गया है, कानून व्यवस्था को लेकर के ये फेरबदल किया गया, क्या अपडेट देंगे आप इस खबर पर? देखिए, बताना चाहूंगा, फरकाबाद पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा जो है, इन्होंने कानून व्यवस्था के जो ठीक करने के लिए 4 निरीक्षक और 8 उपनिरीक्षकों के फेरबदल किया है। सबसे बड़ी बात जो फरकाबाद सदर कोतवाली जो कोतवाल रहे संजीव राठौर जी, विवादित थाना इंचार्ज रहे, सबसे बड़ी बात है इन्होंने जो है कई बार जो है इसके ऊपर अपील लगाए गए ने जो है इनको जो है जाने खाने का सूचना जो नया। जी, क्या कुछ पहले से मामला इनके खिलाफ भी था, शिकायतें आ रही थी, कब से लग रहा था कि ये फेरबदल किए जाने की संभावना है? देखिए, कानून व्यवस्था काफी दिनों से फरकाबाद सदर कोतवाली सही सलामत नहीं चल रही थी, इस वजह से जो है एसपी अतुल शर्मा ने जो है संजीव राठौर को फरकाबाद से उठाकर जो है जहांगीर किया है और इधर कोतवाली फतेहगढ़ के राजेश पाठक को शहर कोतवाल बनाया गया है। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं फरकाबाद से, जहां कानून व्यवस्था को लेकर एसपी ने किए हैं बड़े फेरबदल। आपको बता दें कि 4 निरीक्षकों और 8 उपनिरीक्षकों में किया गया है ये फेरबदल। विवादित छवि के शहर कोतवाल संजीव राठौर को थाना जहानगंज, थाना जहानगंज से अनूप निगम को मोहम्मदाबाद और पुलिस लाइन से झंझक सिंह को फतेहगढ़ कोतवाली किया गया। और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उन्नाव में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोर बड़ी बड़ी घटनाओं को आसानी से अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मामला उन्नाव का है, जहां बीती देर रात घर के बाहर छज्जे पर बल्ली लगाकर एक घर में घुसकर लाखों रुपए के माल पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। घटना को अंजाम देने के बाद बहुत ही आसानी से निकल गए। सुबह की घटना है, जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजनों के तो होश ही उड़ गए। वहीं परिजनों के सूचना देने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर मामला दर्ज कर लिया है।
आज जो बीती रात है उसमें हमारे गंगाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के घर में चोरी की सूचना प्राप्त होती है और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन करती है तो चोरी की पुष्टि भी होती है उनके घर से और फिर पुनः वो एक तहरीर उनसे प्राप्त कर ली गई है। गंगाघाट पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली है और उनका मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। लगातार चोरों की तलाश की जा रही है और एक टीम भी गठित कर दी गई है। जल्दी इसके नतीजे सामने। और इधर ललितपुर के राजघाट जखौरा के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। बस में बैठी करीब एक दर्जन सवारियां घायल हो गईं। 5 गंभीर घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना का मुख्य कारण सड़क किनारे काली मिट्टी का होना बताया जा रहा है। कुछ यात्रियों को का कहना था कि जैसे ही बस रोड से नीचे उतरी अचानक पलटी खा गई। यदि बस तेज होती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश की वजह से रोड के किनारे पड़ी काली मिट्टी धसक गई थी। ये एक बस है जो प्राइवेट बस है। इसका रूट जो है ललितपुर से जखोरा है जो बाया राजघाट होते जाती है। आज करीब 5:15 इधर से राजघाट से होकर जा रही थी तो ये पलट गई है बस और इसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। इसमें तत्काल मौके पुलिस पहुंच गई और घायलों को निकाला गया। उसमें 11 लोग घायल हैं, इसमें 3-4 लोग की हालत थोड़ी गंभीर है। उन सभी को जिला अस्पताल भेज दिया गया है और वहाँ पे ट्रीटमेंट का किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से, जहाँ शराब की दुकानों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बड़ी खबर कन्नौज से, शराब की दुकानों में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर की गई बड़ी कार्रवाई। 35 लोगों पर हुई ये कार्रवाई। पकड़े गए शराबियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। शहर कोतवाली इलाके की ये घटना, जहां शराब की दुकानों में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर हुई बड़ी कार्यवाही। 35 लोगों पर हुई कार्यवाही। और इस खबर पर अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं। जी विवेक, क्या कुछ प्रक्रिया रही, ये छापेमारी की गई है, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर? जी बिल्कुल, आपको नंदनी जी बता दें, कुल कन्नौज पुलिस ने शराब की दुकानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो भी पीते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है और पकड़े भी गए हैं। आप सीधा विजुअल में देख भी सकते हैं कि किस तरह से कोतवाली पर ढाला गया, 35 लोगों को रात भर रखा गया, आज चालान सुबह होगा। जी, क्या कुछ वजह रही इस छापेमारी की, क्या शिकायतें उनके पास पहले से जा रही थी या ये पूरी प्रक्रिया उन्होंने खुद से की? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जो मॉडल साहब है उनकी, लोगों की शिकायत रखी और शिकायत की गई थी उनकी तरफ से कि यहाँ पर जो दारू ठेका है, सरकारी ठेका, उनकी दुकानों पर दारू पी जाती है खुलेआम। अक्सर देखा गया है जिले में कि खुलेआम रोड पर ही दारू पी जाती थी। कहीं ना कहीं प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है यहाँ पर। जी, अगर स्थान की बात जानना चाहूँ कि किस तरह का इलाका था, रिहायशी था, घर थे आसपास, ये दुकान क्या मानक नियमों के मुताबिक थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मानक के आधार पर यहाँ दारू नहीं पी जाती थी, रोडों पे खुलेआम दारू पी जाती थी। जब दारूबाज हैं, खुलेआम दारू पीते थे, गाली गलौज करते थे, कहीं ना कहीं गाड़ी पर बैठ कर या ऐसे घूम घूम कर दारू पीते थे, बाजी करते थे। उनके खिलाफ पुलिस ने एक बहुत सख्त और बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है कल से, जो की बहुत पहले स्टेट देना चाहिए था, वो कल से शुरुआत हुई है उसकी। और जो मॉडल साहब है उनकी आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज थी, जो मॉडल साहब था उनमें दारू नहीं पी जाती थी और जो ठेका है, सरकारी ठेका है, उन पे अधिकतर दारू पी जाती थी। जी, वजह से कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है। जी, कुल मिला के पूरा माहौल जो खराब कर रखा था उसके चलते ये कार्यवाही की गई। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर कन्नौज से दे रहे थे, जहां शराब की दुकानों में पुलिस ने छापेमारी की ताबड़तोड़। इस छापेमारी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर बड़ी कार्यवाही की। आपको बता दें कि 35 लोगों पर हुई ये कार्यवाही। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को
समुंदर बनाया है, हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है, खुद ही को आजमाया है, तुझे अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। वो कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महा अवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फीफा विश्व कप 2018 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को क्रोएशिया के खिलाफ खेले गए मैच में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही क्रोएशिया ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। क्रोएशिया पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। फाइनल में उसका मुकाबला 1998 की चैंपियन टीम फ्रांस के साथ होगा। निर्धारित समय के बाद मैच 1-1 से बराबर था, जिसके बाद मानजुकिच ने अतिरिक्त समय के दूसरे हाफ में 109वें मिनट में गोल दागकर क्रोएशिया को विश्व कप इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह दिला दी और तीसरे स्थान के लिए बेल्जियम और इंग्लैंड का मुकाबला 14 जुलाई को होगा। और इस बीच बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां अज्ञात कारणों के चलते महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। बड़ी खबर हमीरपुर से, अज्ञात कारणों के चलते महिला ट्रेन के आगे कूदी, जिसमें हुई उसकी मौत। पति की पहले ही हो चुकी है मौत। थाना भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का ये मामला, जहां अज्ञात कारणों के चलते महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। पति की पहले ही हो चुकी है मौत। थाना भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का ये मामला, जहां अज्ञात कारणों के चलते महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी। पति की पहले ही हो चुकी है मौत। और इस खबर पर अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अतीश कुमार हमसे जुड़ चुके हैं। जी अतीश, क्या कुछ अपडेट देंगे आप इस खबर पर? महिला की ट्रेन के आगे कूदकर मौत, आत्महत्या का ये मामला सामने आया है। देखिए, हम आपको बता दें, ये हमीरपुर के सुबेपुर थाना क्षेत्र का है कि जहाँ पे एक अज्ञात कारणों के कारण एक महिला ने ट्रेन से आगे कूद कर आत्महत्या की। और अगर पता करें, अभी तक कुछ हत्या का कारण, आत्महत्या का कारण नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। और मौके में अभी परिजन भी नहीं पहुंचे। हाँ,
बहरहाल पुलिस मौके पहुंच चुकी है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर और जी क्या पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो मौत हुई है इसके पीछे वजह आत्महत्या ही है? जी ये पुष्टि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि जो देखते हैं कि उसमें आत्महत्या के देखा जा रहा है और जल्दी उनके परिजनों से संपर्क करके उनको बताया जाएगा क्या कारण है और भी कारण जो निकल के आया जाएगा उनको भी बताया जाएगा, ये साफ पुलिस का कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें अपडेट करने के लिए। हम आपको बड़ी खबर हमीरपुर से दे रहे थे जहां अज्ञात कारणों के चलते महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें कि पति की पहले ही मौत हो चुकी है। थाना भरुआ सुमेरपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला। और रुक करेंगे अगली खबर का। आने वाले 2 सालों में शहर को विमान सेवा में राजधानी लखनऊ के बराबर खड़ा करने की प्रशासन की जुगत जारी है। उम्मीद है कि अगले 2 सालों में शहर 300 सीटर विमानों की सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल प्रदेश सरकार की ओर से 78 सीटर विमान सेवा शुरू की जा चुकी है। जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत ने बताया कि जल्द ही एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा जिसके बाद 4 से 5 बड़े विमान तक एक साथ एयरपोर्ट पर खड़े हो सकेंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार के बाद विमानों के फेरे भी बढ़ जाएंगे। फिलहाल मुख्य मार्ग से एयरपोर्ट तक पहुंचने में यात्रियों को काफी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाना पड़ता है जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के साथ बैठकर तत्काल प्रस्ताव बनाने का निर्देश भी जारी किया गया है। शासन ने इस पर स्वीकृति के बाद कानपुर इलाहाबाद हाईवे से इसे सीधे जोड़ा जाएगा जिससे यात्रियों को काफी आसानी होगी। जिलाधिकारी ने बताया भविष्य में कार्गो विमानों की सेवा भी शुरू की जाएगी जिससे शहर का उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। फ्लाइट थी उसका शुभारंभ किया था और हरी झंडी दिखाई थी। तो अभी मेरी बातचीत हो रही थी जो यहाँ के एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं तो उन्होंने बताया है कि ये जो फ्लाइट है ये अपने आप में एक बहुत सफल फ्लाइट के रूप में चल रही है। इसकी ऑक्यूपेंसी पूरी की पूरी जा रही है। इसमें 78 सीटें हैं तो हमेशा जो है 72, 74, 75 यात्री इसमें जा रहे हैं। तो इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि कानपुर को एक इस तरह की फ़्लाइट की आवश्यकता थी। लेकिन इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी का और राज्य सरकार का ये प्लान है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो एयरपोर्ट जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट हो जैसा कि और जगह पर है लखनऊ पर उस तरह का निर्माण कराया जाए। तो इनका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें बजट सेंक्शन हो गया है और इन लोगों का प्लान है कि 2018 में इस साल उसको टेंडर अवार्ड कर दें और 2020 तक एक बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर कानपुर में बन जाए। और इधर उन्नाव में हुई बारिश ने नगर पालिका के नाला सफाई और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। बुधवार दोपहर के बाद से ही शुरू हुई बारिश ने शहर की सड़कों को तालाबों में तब्दील कर दिया। नगर पालिका की पोल खोलने के लिए उन्नाव के जिलाधिकारी के आवास के बाहर की ये तस्वीरें और SP ऑफिस की ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ कह रही है। एक बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। मुख्य समस्या पानी के निकास की है। जब बारिश का और नाली का पानी निकलने के लिए आगे रास्ता ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पानी लोगों के घर के बाहर ही भरेगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बारिश के बाद पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। लोग कार्यालय के अंदर और बाहर आने जाने के लिए रिक्शे या मोटरसाइकिल का इंतजार करते नजर आए लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नगरपालिका के दावे और सिर्फ हवा हवाई ही साबित हुए। दिक्कत हो रही है चलने में, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है भाई। इसकी जो है साफ सफाई होनी चाहिए समय पे, इससे हम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद भी इटावा जिला प्रशासन पीड़ितों की जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त नहीं करा पा रही है जिसके चलते पीड़ित परिवार को धरने पर बैठना पड़ा है। मामला इटावा जनपद में देखने को मिला। इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के दशहरी गांव की रहने वाली सरोज पत्नी मूलचंद ने बताया कि उनकी जमीन पर जसवंत नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश चंद्र यादव बहुत दिनों से जमीन पर कब्जा किया है। जिलाधिकारियों से गुहार लगाने के बाद जब पीड़ित को कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो उन्होंने CM योगी से गुहार लगाई। उनके आदेश करने के बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई भी मदद उनके लिए नहीं की गई। सरोज के पति मूलचंद विकलांग हैं और उनको कानों से भी सुनाई नहीं देता है, तब भी किसी अधिकारी ने उसकी मदद करने का प्रयास नहीं किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश चंद्र यादव कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं सब कुछ कर लूंगा। पीड़ित का कहना है कि अब या तो हम यहीं पर अपनी जान दे देंगे नहीं तो मेरा कब्जा प्रशासन मुक्त कराकर मुझे दे दे।
से उन्होंने फ्लैट कब्जा कर रखा है और मतलब मेरी आगे भी बुनियाद भरी थी, बुनियाद पीछे भी भरी थी, 5 फुट दीवार थी आगे और पीछे भी थी। उन्होंने दोनों दीवार तोड़ कर उसमें रास्ता डाल लिया था, सीमेंट सरिया मोरम गिट्टी सारा सामान डाल लिया था। कई बार प्रार्थना पत्र देने से उन्होंने सामान तो हटा दिया मगर पीछे की दीवार लगाने नहीं देते हैं, 20 फुट कब्जा करते हैं, 20 फुट मांगते हैं। जो प्लाट है पीछे से दाब रहे हैं जोर जबरदस्ती अपने दमंगी के कारण। मैं इस बारे में मैं सर लखनऊ भी योगी जी को 2 बार कंप्लेंट दिया है, हम और पिताजी मम्मी को साथ लेके गए थे, तब वहाँ से उन्होंने जो कार्रवाई की है तो लेखपाल बोले कि समझौता कर लो आपस में, ये दमन लोग हैं धड़काएंगे तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, लेकिन उन्होंने सही तरह से पैमाइश नहीं की है। हमीरपुर कस्बे के कैलाश पटेल नगर स्थित झाड़ी मंदिर में लंबे समय से रह रहे फक्कड़ बाबा और ठाकुरदास ने समाधि लेने के निर्णय की खबर से सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग समाधि लेने वाले स्थान पर पहुंच गए। तभी कुछ लोगों ने बाबा के समाधि लेने की सूचना पुलिस को दी। जरिया पुलिस ने पूरे मामले से SDM को अवगत कराया, जिसके बाद SDM वसियों ने मौके पर पहुंचकर बाबा को समझा बुझाकर थाने लाए, जहां मान मनोवल के बाद उन्हें CHC सरीला में भर्ती कराया गया। इनके भक्तगण भी मौजूद थे वहाँ पर, भंडार खुला था मौके पर। हमने मौके पर जाकर के जरिया पुलिस थाने के लोगों को ले जाकर के उनको ये काम ठीक नहीं है, वैधानिक काम नहीं कर रहे हैं आप, उनको बाबा को यहाँ थाने पर गलिया ले आए थे और उनको समझाया गया। उनके परिवार को लोगों को बुला करके गांव के बोहान के और सफरान के व्यक्तियों के सामने हमने ये बात बताई गई कि ये काम वैधानिक रूप से सही नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए GMD न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं GMD न्यूज़, आम जन की आवाज।